ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझता मोकामा शहर, प्रशासन जाम मुक्ति को लेकर उदासीन बना हुआ है। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। बाबा परशुराम की नगरी मोकामा इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से गंभीर रूप से ग्रसित है। शहर में इन दिनों हर तरफ जाम लगा रहता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोकामा चौक बाजार में हर दिन लगने वाले जाम के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले 2 सालों से इतना ट्रैफिक बढ़ा है मोकामा चौक बाजार में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कभी इतना जाम नहीं लगता था। मोकामा चौक बाजार में नित्य प्रतिदिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से जनता परेशान हो उठी है। शासन और प्रशासन ट्रैफिक जाम को लेकर सुस्त पड़े हैं। रोजाना सुबह शाम घंटों जाम लगता है। बाजार चौक पर घंटों जाम में फंसने के कारण कई बार अस्पताल जा रहे मरीज रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को जाम की वजह से घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है। स्कूलों की छुट्टी के वक्त भी लंबा जाम रहता है, इस वजह से बच्चे देर में घर पहुंचते हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। स्टेशन जाने वाले यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है ट्रैफिक जाम की वजह से। मोकामा का मुख्य मार्ग होने के कारण इसका व्यस्त रहना स्वाभाविक है। यहां से निकलने वाली सड़क नाजरथ अस्पताल, रेफरल अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मोकामा थाना जाकर मिलती है, इसलिए यह सड़क बहुत ही व्यस्त है। पर्व त्योहार हो, शादी ब्याह के अवसर पर यह जाम विकराल रूप ले लेता है। मोकामा में अक्सर वीआईपी मूवमेंट होते रहता है, इस वजह से कई बार यहां सैकड़ों गाड़ियां साथ साथ गुजरती है। घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहता है। इस जाम की वजह से स्थानीय के लोगों के साथ साथ दुकानदारों और वाहन चालकों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद साल के लाखों रुपया पार्किंग के नाम पर वसूलती है, मगर व्यवस्था के नाम पर शून्य है नगर परिषद। ई रिक्शा की भरमार होते जा रही है। नगर परिषद हर ई रिक्शा चालक से एक मोटा बैरियर वसूलती है, जो बरहिया, बाढ़ और बख्तियारपुर से ज्यादा है। ई रिक्शा चालकों को व्यवस्था कुछ भी नहीं दी जा रही। उन्हें न पार्किंग की व्यवस्था है, न वेटिंग एरिया की व्यवस्था है। ई रिक्शा चालक से मोटे बैरियर वसूलने के बावजूद नगर परिषद उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दे रही है। इस वजह से भी नगर परिषद मोकामा के मोकामा बाजार चौक पर रोजाना सुबह शाम भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी बाबू बिल्कुल उदासीन है इस जाम को लेकर, जबकि हर दिन इस जाम की वजह से छोटी बड़ी दुर्घटना भी हो रही है। स्थानीय लोगों की मांग पर नव निर्वाचित सभापति ने अधिकारियों के इसके बारे में सूचना देकर इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित करने की मांग भी की थी। उनके इस मांग के बाद नगर परिषद के आला अपराधी अपने नगर परिषद कर्मचारियों के साथ फरवरी माह में दलबल के साथ जाम लगने वाले मोकामा बाजार चौक पर पहुंचे भी थे। नगर कर्मियों ने फीता लेकर चौक बाजार से अन्य मार्गों की लंबाई चौड़ाई की मापी भी की थी। उनके साथ नगर परिषद के अमीन भी मौजूद थे। नगर परिषद कर्मियों के द्वारा स्थल चयन भी कर लिया गया था ई रिक्शा की वेटिंग एरिया को लेकर, मगर अफसोस, महीना दिन गुजरने के बावजूद नगर परिषद की सुस्ती समझ से परे है। नगर कर्मियों की अकर्मण्यता से मोकामा की जनता दिनों दिन परेशान होती जा रही है। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है, जल्दी ही कुछ करते हैं, जल्दी ही यह कर देंगे, वह कर देंगे। फोटो मीडिया में वायरल होते रहता है, मगर परिणाम कुछ भी नहीं। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।